हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्पष्ट करते हुए कह दिया कि प्रदेश में पहली से आठवीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का आदेश है जिसकी पालना तो करनी ही होगी, स्कूल खोलना ना खोलना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि वह यह मानते हैं कि कोरोना काल में स्कूलों को नुकसान तो हुआ है, लेकिन इस दौरान स्कूलों के अलावा हर किसी को नुकसान से गुजरना पड़ा है। स्कूल खोलकर बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता और कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन वह यह विश्वास दिलाते हैं कि स्कूलों को इस दौरान किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से उनकी सहानुभूति उनके साथ भी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों का विरोध करने वाले किसानों पर भी निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज में बहुत बड़ा योगदान है और कुछ किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान आंदोलन के बहाने विरोध करवा रहे हैं। ऐसे लोग खुद सामने नहीं आते बल्कि भोले भाले किसानों को आगे करते हैं और फिर उनके ऊपर कार्यवाही होती है। नहीं देखिए, अगर कहीं इस प्रकार की कोई बात आई तो ये कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आप करेंगे या नहीं करेंगे। बंद तो सरकार का आदेश है, स्कूल तो सारे ही बंद होंगे और जहाँ तक हमारी सरकार की कारगुजारी है तो सबसे पहले स्कूल हम नहीं खोल लेते और सबसे बाद भी में स्कूल हम नहीं बंद किए। हमारा पूरा प्रयास रहा, आप सभी लोगों ने हमसे बार बार पूछा भी कि कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने कहा कि हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो पूरा नज़र रखे हुए हैं, अगर कहीं भी हमें इस प्रकार का खतरा लगेगा तो निश्चित तौर से हम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। और जिस प्रकार से आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश में कोरोना के पेशेंट की जो संख्या बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया, स्कूलों को बंद करने का हमने निर्णय लिया, क्योंकि इसकी वजह से जहां प्रदेश में भी और अभिभावकों में सभी लोगों में घबराहट थी तो वो देखते निर्णय लिया हमने इसको। सर, कुछ छूट पहले आपने दी थी बिजली बिलों को लेकर के, फिक्स चार्ज की बात करें या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो कॉस्ट थी उसमें जो टैक्स लग रहा था, जो इंश्योरेंस कॉस्ट थी, इसको लेकर के आप जो दोबारा एक बार फिर फैसला है, स्कूलों का ये मानना है निजी स्कूलों का कि उनकी कमर बिल्कुल टूट चुकी है और वो ठीक तरीके से जो अभिभावक है वो भी जो ट्यूशन फीस है वो नहीं पहुँचा रहे। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बात से कि निश्चित तौर से स्कूलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है इसमें। और जो हमारे छोटे स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं उनके पास तो ठीक से फीस है रही, काफ़ी अच्छी फीस उनके पास है रही, लेकिन मैं मानता हूँ कि 90% स्कूल हमारे पास छोटे हैं बहुत, और उनके पास फीस भी नहीं है रही, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। लेकिन ये हमारा जो काम है ना, नुकसान तो सबको ही रहा, चाहे वो मजदूर है उसको भी नुकसान होया, चाहे दुकानदार है उसको भी नुकसान होया, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी नुकसान, सबको नुकसान होया। लेकिन क्योंकि ये सीधा सीधा जिस प्रकार से का है काम है तो इसमें निश्चित तौर से ज़्यादा नुकसान होया, लेकिन अगर कहीं भी हम मदद कर सकते हैं और ऐसी उनकी ज़रूरत है तो निश्चित तौर से हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे स्कूलों के बारे में भी और उनको सहयोग करेंगे। नहीं देखिए, उनका कोई भी संगठन मिलता है और अगर कोई वो बात रखते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे कि हम क्या मदद उनकी कर सकते हैं। हम सहमत हैं इस बात से कि निश्चित तौर से उनको बहुत नुकसान हो रहा है, खासकर उन छोटे स्कूलों को जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है। हम शुरू से ही हर साल ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं, पहली बार नहीं मनाने लगे, शुरू से ही मनाते हैं। और डॉक्टर साहब ने देश और समाज के लिए बहुत काम किए और जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसका असर भी आया और आज हमारे जो भाई बहुत पीछे थे आज वो शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने नए आयाम स्थापित किए, बहुत आगे बढ़े। और जिस प्रकार से उन्हें अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य करने की बात कही, उस काम को चाहे हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही उसमें भी हमने किया, गरीब के लिए पीड़ा कार्ड जो है जो सस्ता अनाज वो हमने देना शुरू किया था। और अब भी सरकार ने जिस प्रकार से चाहे शौचालय की बात है, चाहे गैस की बात है, चाहे नल की बात है, चाहे मकान की बात है, वो सारे काम सरकार ने उनके दिखाए रास्ते पे हम चल रहे हैं, उस रास्ते पे चल के हमने वो काम किए। लेकिन अगर कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर नहीं
उतरने देंगे, तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, मतलब आप अपनी बात कहें लेकिन दूसरे को भी अपनी बात कहने दें। हम बहुत लंबे टाइम तक हम विपक्ष में रहे, हमारी एक भी घटना ऐसी बता दो जब भी हमने किसी MLA का विरोध किया हो, किसी मंत्री का विरोध किया हो, किसी मुख्यमंत्री का विरोध किया हो, किसी प्रधानमंत्री का विरोध किया। वो अपनी बात कहते थे, हम अपनी बात कहते थे, लेकिन हमारे तर्क इतने मजबूत होते थे कि उनको उसके जवाब देने मुश्किल होते थे। आज तो ये स्थिति है कि इनके पास अपने आप कोई तर्क ही नहीं है। हम विधानसभा में बार बार पूछते हैं कि आप बताओ, हम लोकसभा में पूछते हैं कि बताओ, हम TV चैनल में पूछते हैं कि बताओ क्या कमी है, लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को भड़काने के लिए। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे आम आदमी भी हैं, उनसे मेरा निवेदन एक ही है कि ये जो भड़काने वाले लोग हैं ना जी, ये जनता को आगे करके अपने आप पीछे हो जाते हैं और फिर भुगतना उस आम जनता को पड़ता है। तो मेरा निवेदन ये है कि एक बार इनसे प्रार्थना करें कि आप आगे आगे चलो, जो उनसे नेता है ना जो कहेंगे हम ये नहीं होने देंगे, तो इनसे प्रार्थना करो कि आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे, तो आप देखियो कि जनता को पता चल जाएगा सच्चाई का क्या है क्या नहीं है। देखिए, मैंने इसलिए वो बात कही थी कि कुछ लोगों ने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 6,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल रहे, तो कुछ लोगों ने कहा कि जब वहाँ इकट्ठे है तो उन्होंने कहा कि 6,000 प्रधानमंत्री अपने वापस ले जाओ, हमें 6,000 प्रधानमंत्री के नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जो बड़े किसान हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, वो 6,000 रुपये किसी बात पर भी खर्च कर सकते हैं, अपने किसी भी शौक पर एक मिनट में खर्च कर सकते हैं क्योंकि उनके पास खूब पैसे हैं। लेकिन जो छोटा किसान है उसके लिए 6,000 रुपये बड़ा महत्व रखता है। अब जो मान लीजिए आधे एकड़ का किसान है, बहुत बड़ी संख्या में है, 1 एकड़ के तो बहुत बड़ी संख्या में है, 1.5 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, अब ऐसे जो किसान है उनके लिए 6,000 रुपये बहुत महत्व रखते हैं। और जो स्वामीनाथन जी ने जो बात कही कि उत्पादन लागत घटनी चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये जो अकाउंट में डाले तो उत्पादन लागत घटाई थी उस किसान की, जो 2 एकड़ तक का किसान है, 2.5 एकड़ तक का किसान है, कि उसका जो बीज का पैसा था, उसका जो खाद का पैसा था, उसका जो पेस्टिसाइड का पैसा था, वो सरकार ने दे दिया उसको और उससे उसकी उत्पादन लागत घटी, तो उसके लिए वो महत्व रखता है। और देश में 85% किसान जो है वो वही किसान है जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ से कम का किसान है। और जो ये बड़े किसान है ना, इनकी संख्या तो मैं समझता हूँ कि 5% से भी कम है, हो सकता है 2-2.5% हो, मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं, तो लेकिन 5% से कम ही कम हैं ये लोग। तो बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनकी जरूरत है, तो सरकार ने जो काम किया किसानों से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो अगर हम बात करें। नहीं नहीं, किसानों के बारे में नहीं, मैंने कहा जो बड़ा किसान है, उसने तो कहा बड़े किसान ने लिखा ले जो अपने 6,000 रुपये, उस बड़े ने ही कहा यह कि ले जो अपने 6,000 रुपये, छोटा नहीं कहता कि मेरे 6,000, छोटे की तो जरूरत है बेचारे की। अरे उस छोटे को के सहयोग के लिए ही सरकार ने ये काम किया, माननीय प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये उसी किसान के लिए डाले जो छोटा किसान है, जो 2 एकड़ का किसान है, 2.5 एकड़ का किसान है, डाले तो सबके पास है, लेकिन जो बड़ा किसान है उसके लिए उसको कोई इंपोर्टेंस नहीं है, वो 6,000 को क्या समझता है, 6,000 कुछ नहीं है, लेकिन छोटे के लिए तो 6,000 रुपये बहुत है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।